चलो फिर आज हम सीखते हैं कि आप कैसे वॉल्स को कैसे लेयर्स में बना सकते हैं। जैसे आपकी यहाँ पे ये यह वॉल है, तो यह मल्टी लेयर में बनी हुई है। अगर मैं इस वॉल को यहाँ पे बनाता हूँ और यहां से अगर मैं फाइन करता हूं, तो आपको इस तरीके से दिखेगी। तो दिस जी इज जी योर कोर वॉल, जो मेन वॉल है, जी ठीक है, जो या बिल्कुल फर्स्ट वाली है, दिस इज फिनिश वन एंड लास्ट वाली है फिनिश टू। जी ठीक है, अगर आप जैसे वॉल बना रहे हो और आप यहाँ पे देखेंगे एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट, तो ये बाहर वाला आपका एक्सटीरियर पार्ट है लोकेशन लाइन के अकॉर्डिंग, और अंदर वाला ये आपका इंटीरियर पार्ट है। अब आप एक वॉल ऐसी बनाना चाहते हो जिसे आप इस तरीके से पहले ही डिजाइन कर लो। एक सिंपल सी वॉल की बात करते हैं कि मान लो मैं जी एक 8 इंचज की वॉल बनाना चाहता हूं, कोर वॉल, और उसके साइड में मैं 10-10 सेंटीमीटर का प्लास्टरिंग करना चाहता हूं, जी इतना करना चाहता हूँ, या 9 इंचज की वॉल, उसके साइड में 10-10 सेंटीमीटर का आपका प्लास्टर। जी ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं वॉल को सिलेक्ट करता हूं। मान लो 8 इंच वाली मैंने यहाँ पे वॉल ली। गो टू एडिट टाइप। एडिट टाइप पे जाने के बाद आप इसे डुप्लीकेट बना लो। अब डुप्लीकेट बनाओगे, टोटल लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी विड्थ, टोटल विड्थ हमें मान लो 9 इंच चाहिए, तो पॉइंट हाँ सिक्स इंच मैं चाहता हूं, जैसे 9 इंच चाहिए, 1 इंच में क्या नाम है, 0.6 इंच मैं चाहता हूं अंदर और 0.6 इंच मैं चाहता हूं बाहर की तरफ प्लास्टर आ जाए, जी तो टोटल मिलके 9 इंचज की हो जाएगी। यस तो मैंने 9 इंचज की वॉल ले लिया, यहाँ पे नेम रख दिया 9 इंचज। गो टू एडिट टाइप। अभी आप देख रहे हो कि एक ही आपकी वॉल है जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर कोर वॉल, ओके ये दिस इज कोर बाउंड, दिस इज कोर बाउंड्री है, ये दोनों कोर बाउंड्री है आपकी। कोर बाउंड्री के बीच में आपकी कोर वॉल आएगी। ठीक है, ओके मटेरियल पता ही है कैसे डालते हैं, मटेरियल डाल हाँ सकते हैं, और पता थिकनेस मैंने रख दिया है इसे 8 इंचेस। ओके अब मैंने क्या किया, एक और वॉल इंसर्ट की और इसको मैं ले गया ओके ऊपर कोर बाउंड्री से ऊपर, और इस पे क्लिक करके मैंने कर दिया फिनिश वन। फिनिश वन ये फिनिश है, देखो दिस इज एक्सटीरियर साइड आपका ओके लिखा हुआ है, ये आपका एक्सटीरियर साइड है, दिस इज इंटीरियर साइड। ओके ठीक है, फिनिश वन पे आपने यहाँ पे मटेरियल डाल सकते, पहले तो मैंने थिकनेस डाल दी कि मेरे को थिकनेस जो चाहिए 0.6 इंचेस चाहिए, तो वो 0.6 इंचेस आपने आप ही ले लेगा। ओके अगर 10 mm चाहिए, अब काम कर रहे हो आप इंचेस में और लेना है आपको 10 mm या 1 सेंटीमीटर, तो हाँ आप वही डाल दो, 10 mm लिख दो उसके सामने, वो अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा क्लियर ओके है, जो भी मान ओके लो 1 सेंटीमीटर आपने डाल दिया CM, तो वो अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा उसे भी। ओके ठीक है, 0.6 इंचेस डालोगे, वो अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा उसे भी। ओके ठीक है, एक डाल दिया आपने फिनिश पे, एक और आप यहां पे इंसर्ट करो और उसे ले जाओ कोर बाउंड्री से नीचे और इसे कर दो फिनिश टू। फिनिश टू फिनिश ओके टू, और इसको भी मैंने कर दिया 0.6 इंचेस, तो ये आ गया इंटीरियर साइड। अब एक्सटीरियर साइड में मान लो आपने प्लास्टरिंग कर दिया, आप इस पे कोई कलर करना चाहते हो, मान लो, तो मैंने क्रिएट किया न्यू मटेरियल, रीनेम किया 01 एक्सटीरियर, एक्सटीरियर साइड का मान लो मैंने नॉर्मली यहां से कोई कलर ही ले लिया, जो भी मैं कलर लेना चाहता हूं, दिस इज फॉर एक्सटीरियर, यूज रेंडर अपीयरेंस और क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम 02 इंटीरियर साइड, इसको मैंने कोई कलर दे दिया, मान लो इंटीरियर पे मैंने कोई ग्रीनिश टाइप में ऐसे कलर दे दिया, एंड यूज रेंडर अपीयरेंस, बाहर लगाना मेरे को एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर पे क्लिक करो एंड ओके, तो ये लग गया एक्सटीरियर साइड, क्लिक ऑन इंटीरियर, तो ये मैंने इंटीरियर पे लगा दिया ये। अब दोनों साइड देख रहे हो आप, जी बीच में आपकी कोर वॉल है, दोनों साइड आपने प्लास्टरिंग कर दी, ओके एंड अब मैं कर दूं यहां पे ओके एंड ओके। अब अगर मैं ये वाली वॉल बनाता हूं, तो आप देखेंगे दो साइड आएंगी, एक साइड आपका जो कलर आएगा वो ग्रीन रहेगा और दूसरी साइड आपका दूसरा कलर रहेगा। यस अगर आप इसका सेक्शन कट करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, तो आप सेक्शन जाके अगर देखते हैं, तो सेक्शन में अगर आप यहाँ से फाइन डिटेल करते हैं तो इस तरीके से आएगा, और अगर आप यहाँ से शेडेड वगैरह जो भी करोगे तो वो आपको प्लास्टरिंग दिखाई देगी, ओके समझ गए। ठीक है अब 9 इंचज की वॉल जो आप बनाओगे, तो इस तरीके से वॉल बनेगी फिर वो। ओके
नॉर्मली तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, 8 इंचेस के लिए लगा दी, 9 इंचेस की बनाई लगा दी, बट प्रोफेशनली अगर बात करें तो इस तरीके से बनेगी वो। ओके क्योंकि प्लास्टरिंग भी तो हमें शो करना पड़ेगा ना उसपे। हाँ तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके फिर अब ऐसे आप ज्वाइन करोगे तो ऐसे आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब इतनी सारी लेयर में देखो इन्होंने क्या किया हुआ, अगर मैं और लेयर्स की बात करूं, अब वो डिपेंड करता है कि आप वॉल जो बना रहे हो कहां के लिए बना रहे हो। जी अब आप देखो घर के लिए नॉर्मल वॉल बनाते हैं जी, तो उसमें तो एक कोर बाउंड्री होती है और दोनों साइड प्लास्टर होता है जी, ठीक है। उसके बाद मान लो हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, एक लेयर ऐड कर दी प्लास्टर की, बट पेंट की लेयर हम ऐड नहीं करते क्योंकि इसकी नेग्लिजिबल थिकनेस होती है। हाँ, हाँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी बैंक की, अब बैंक में जो वॉल बनती है वो तो काफी मोटी बनती है, मल्टी लेयर में बनती है जी, उसके अंदर का पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा एरिया जैसे आपका एरिया होता है जो आपको कूल रखना है, हाँ, उसकी वॉल्स अलग तरीके से डिजाइन की जाती है। बीच में कैविटी, बीच में कैविटी होगी, बिल्कुल गैप रहेगा और थर्मोस्टैट रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जितनी लेयर में आपको काम करना है उतनी लेयर पे आप काम करो यहाँ पे। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया हुआ, इस वॉल में कोर बाउंड्री के बीच में तो स्ट्रक्चर वॉल बनाई हुई है। हाँ, जो आपकी मेन वॉल है जो कॉन्क्रीट की लगा दी, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे ले ली मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन, ओके। एक लेयर इसने डैम प्रूफिंग की ले ली यहाँ पे जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अब देखो इसने यहाँ पे डैम प्रूफिंग की लेयर ली बट उसकी थिकनेस 0 इंच रखी, 0 रखा है क्योंकि उसे पेंट किया होगा जी, ठीक है, मेम्ब्रेन लेयर में। उसके बाद थर्मल एयर एयर ली इसने लेयर यहाँ पे, ये वाली जी, ठीक है। उसके बाद एयर वाली लेयर ली यहाँ पे, थर्मल एयर लेयर इसका मैं इसने कर दिया, इंसुलेशन डाल दिया इसमें, इंसुलेशन रिगिड और यहाँ पे एयर, और लास्ट में इसने इतने इंच की 4 इंच के अराउंड एक वॉल ली ब्रिक वॉल, ब्रिक की, जो बाहर से ब्रिक वॉल दिखे बेसिकली जी 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 ठीक है। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इसके कोर वॉल के जस्ट बाद इसने ये वाला पार्ट जो लिया इसने मेटल का ले लिया, और फिर लास्ट में जो अंदर की साइड बात करें फिर इसने जिप्सम वॉल ले ली जी जी, जिप्सम वॉल का बोर्ड ले लिया जी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए वॉल को डिजाइन कर रहे हो। ओके कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया जी जी, ये लेयर अबो रैप रहेगी, लेयर अबो बिलो रैप रहेगी। हम अपनी में भी कर सकते हैं जैसे इसमें जी, कि जब हम शेड्यूलिंग करें तो हमें पेंट का भी दिखाई दे थोड़ा सा। तो हाँ, मैं इसकी प्रॉपर्टी पे अगर जाता हूं यहाँ पे एडिट टाइप करता हूँ, एडिट करेंगे तो सबसे ऊपर मैं एक और इंसर्ट कर दूंगा लेयर, ठीक है। और जो इंसर्ट करूंगा यहाँ पे मैं मेम्ब्रेन लेयर कर सकता हूं, हाँ, या फिर नॉर्मल फिनिश भी लगेगा बट इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वरना तो हम एक पेंट की लेयर ऐड करके उसको 0 थिकनेस डाल देते, 0 थिकनेस डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वॉल को लेयर को यहाँ पे बना सकते हैं। ओके क्लियर है, क्लियर है। हाँ, कैसे भी ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन वो सब आप अपने तरीके कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। ओके ओके, और बताओ। अच्छा, अभी अगर से मैं वॉल किया फर्स्ट फ्लोर, बीच में मेरा स्लैब आ गया, हाँ, उसका फिनिश जो है वो 2 से 2.5 सेंटी बाहर रहेगा वॉल के, हाँ हाँ, तो वो जो स्लैब का थिकनेस है उसको प्लास्टरिंग कैसे करना है, इसी से ले लेना या मान लो ये आपने बना दिया जी, ठीक है। अब जो स्लैब लगेगी आपकी, नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या होता है, पहले वॉल बनती है, स्लैब लग जाती है, हाँ ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे स्लैब लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे फ्लोर लगाऊं यहाँ पे, और मेनली यहां से स्लैब लगती है अंदर वाले पार्ट से, यस, जो प्रैक्टिकली काम करते हैं हम, ये अंदर वाले वार्ट पे हम लगाएंगे, यस, स्लैब 3D पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे Level 2 पे भी, तो ऐसे लगती है जी। क्या लगा दिया मैंने, फ्लोर लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक मिनट, नॉर्थ साइड, ये मैंने, अच्छा फ्लोर लगाया ना, फ्लोर तो नीचे लगेगा बेसिकली, तो मैंने रूफ लगा दी मतलब। अब यहां पे जाके मैं यहां पे रूफ क्रिएट करता हूं, ओके, और डिफाइन स्लोप को मैंने हटाया, ये लिया, और यहां से नहीं लेनी, यहां से, क्योंकि प्लास्टरिंग का काम तो बाद का होता है, बाद ही होता है, ठीक है।
अब मैंने इतना आपका ले लिया। अब एक तो तरीका ये है कि आप इसको, क्योंकि रेविट में तो आपको शो करना है ना सिर्फ, जी जी, इसको बाहर की तरफ ही ले लो। ओके, और इस सरफेस के ऊपर जो ये मटेरियल बनाया है आपने उसको मैच कर दो, पेंट कर दो, ये मैच हो जाएगा। हाँ, अब इसके ऊपर अगर आप वॉल बनाओगे तो इसके बीच में एक कैविटी बच जाएगी। हाँ ठीक है, अब इसको फिल करने के लिए तो या तो फैमिली पे जाओ और एक्सट्रूजन की हेल्प से यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करो, बट बेटर ऑप्शन क्या है कि जो आप फ्लोर बनाओगे अब वो बाहर से ही बनाओ। ओके, ठीक है, और बाहर से बनाने के बाद उसे आप उसी उसमें पेंट कर दो, जो पेंट आपको चाहिए बेसिकली। ओके, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ, अब यहाँ पे तो ये लाइन दिख रही है जैसे आपको, हाँ, बट जब आप रेंडर करोगे इसका, हाँ, तो वो रेंडर नहीं में आपको दिखेगा, कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, आपको प्लेन सरफेस आपको दिखाई देगा। ओके, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और अभी अगर से बाउंड्री वॉल है, हाँ हाँ, उसके ऊपर कुछ डिजाइन है, जैसे कि वो प्रोफाइल प्रोफाइल में करना पड़ेगा ना, वो स्वीप में करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो आपके ऊपर है किस तरीके का प्रोफाइल है। जी, अगर मैं बाउंड्री वॉल दिखाऊं यहाँ पे, हाउस फ्रंट व्यू, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी दिखाऊं बाउंड्री वॉल, हाउस बाउंड्री वॉल ही कर देता हूँ। अब देखो जैसे ये वाली बाउंड्री वॉल है, जी, ठीक है, आपको पता है किस तरीके से बनेगी, इजी जी है। अब ये वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट जी फिर जी भी इजी वे में बन जाएगी। सारा काम इसने देखा हुआ है, स्वीप से ही किया हुआ बेसिकली, हाँ वॉल बना के प्रोफाइल लेकर वो प्रोफाइल बना के स्वीप से हो जाएगा हाँ सारा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, ये वाली वॉल है, जैसे वॉल बना दी, ऊपर वाला प्रोफाइल चला दिया एक्सट्रूजन से, कॉलम्स क्रिएट कर दिए और कॉलम्स के ऊपर ये वाले एक्सट्रूजन से बना दिया। जी, ठीक है, तो जितने भी बाउंड्रीज वॉल हैं वो देख के आपका काम चल जाएगा कैसे बनेगी, इजी होती है, कोई ज्यादा खास नहीं होता। जी, ठीक है, अब ये वाली है, बस क्या है डिजाइन ही तो बनाना है। जो कटिंग वाला डिजाइन है वो तो हम डायरेक्टली वॉल के अंदर प्रोफाइल क्रिएट करके भी कर सकते हैं, ये वाला डिजाइन हम स्वीप से बना सकते हैं, जी और इसके बाउंड्री जो बना सकते हैं वो एक्सट्रूजन से बना सकते हैं। जी जी तो ये भी इजी है, ये भी इजी है, या जो भी आप देखेंगे सारा का सारा स्वीप एक्सट्रूजन इन सब का काम है। यस, ठीक है, हाँ जी, और बताएं। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली कुछ क्लासेस स्टार्ट किए हैं 3D Max के। जी, सबसे बेस्ट प्रोग्राम 3D Max होता है नो, प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है, अगर आप ओनली इंटीरियर डिजाइनिंग पे फोकस करना चाहते हैं, जी, अगर आप चाहते हो कि ऐसा रेंडर निकले जो रियलिस्टिक वे में दिखाई दे हाँ इंटीरियर का, हाँ ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट है 3DS Max, 3D Max,3DS Max। ठीक है, ओके, अगर आप सिर्फ फोकस करना चाहते हैं एक्सटीरियर पे, तो आपके लिए रिविट आर्किटेक्चर, रिविट, रिविट आर्किटेक्चर। और अगर आप रेंडरिंग बेस्ट करना चाहते हो एक्सटीरियर की, तो हमारे पास एनस्केप एक ऑप्शन है, बट जी, बेस्ट ऑप्शन है ल्यूमिन, क्या है, ल्यूमियन। ओके, ल्यूमियन के लिए फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छा चाहिए। अच्छा, ठीक है, सिस्टम जितना अच्छा रहेगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उतना वो स्मूथली काम करेगा, क्योंकि कंप्लीटली वो एनिमेशन का काम करता है। अच्छा, सारे जितने भी इसलिए, चीजें होती है, रेंडरिंग, एनिमेशन, तो हम बंदे ऐसे चलते हुए दिखाने हैं, गाड़ियां दिखानी है, एक रियलिस्टिक मटेरियल लगाना है, वो सारी चीजें ल्यूमिन में बहुत इजीली हो जाती है। क्या रिक्वायरमेंट है उसका? रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो, जैसे अभी लेटेस्ट ल्यूमिन 11 है, अच्छा, ठीक है, अगर आप वो चाहते हैं, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरी खुद की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 64 GB रैम है, ओके, राइजन 9 है, 12-core प्रोसेसर है। ठीक है, मेरी कॉन्फ़िगरेशन ये है अभी। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इतना महंगा नहीं लेना, ठीक है, तो आप जैसे रैम 32 GB रख सकते हैं। ग्राफिक सबसे बड़ा खेल होता है ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, ओके, ठीक है, रैम तो हम कभी भी इंक्रीज करवा सकते हैं। ओके, रैम 4 GB, 6 GB, 8 GB, अभी तो 3000 सीरीज भी आई हुई है। अच्छा, मेरा आप चेक कर सकते हैं क्या कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। अब आपके पास 8 GB रैम है, i3 प्रोसेसर है, हाँ, इसमें ल्यूमिन अच्छे से वर्क नहीं कर पाए।
अच्छा हाँ सिर्फ आप रैम ही तो इंक्रीज करवा सकते हो, बट प्रोसेसर ऑलरेडी आपका i3 है, ओके ठीक है। अगर आपको अच्छा सिस्टम चलाना तो मिनिमम i5 या i7 ही लेना चाहिए, ओके आजकल तो i9 भी आ गए हैं, अच्छा तो मतलब i7 इज ओके। i7 इज ओके, बट अगर आप लें तो इंटेल पे मत जाएं, आप Ryzen 7 लें। जी ठीक दो है सीरीज चल रही है, इंटेल और राइजन, AMD राइजन, तो ओके। राइजन उसके मुकाबले थोड़ा सा अच्छे, क्या कॉस्ट पड़ेगा इसका कुछ डिपेंड करता है आपके अंदाजा। बजट पे, कॉस्ट तो आप कितने का भी ले लो, वो आपकी बजट के ऊपर है, अच्छा आप मैक्सिमम कितना बजट लगा सकते हो उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ओके जी ठीक है मैं अपग्रेड करता हूँ पहले, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो लेटेस्ट है मुझे वो सीखना है ताकि मेरा जी प्रेजेंटेशन ठीक हो। आप वैसे आई एम वेरी वीडियो, हैप्पी, वो एक प्रेजेंटेशन हो गया मेरा। अरे बढ़िया बढ़िया हाँ तो आपने देखा होगा जो स्क्रीन पे जो एलिवेशन वगैरह किया मैं, जी जी बैकग्राउंड डाल के सब कुछ करके एक हो गया, लेकिन मुझे प्रोफेशनली मुझे आई नीड समथिंग मोर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते अभी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिस्फैक्शन होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप वीडियोस भी देख सकते हो ल्यूमिन की यूट्यूब पे जाके, तो हाँ आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में ल्यूमिन किस तरीके से वर्क करता है। जी जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अभी कुछ प्रैक्टिस करने की, तो फिर देखते हैं कल इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। अभी मैं वॉल का कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ अपने पुराने इसमें, ठीक है ठीक ताकि है, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर कल देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ओके 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 थैंक ओके, वेलकम। यू। थैंक यू।